तो गाइस यार कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया हो और गाइस बढ़िया रहना। तो गाइस यार आज की वीडियो पर तो हम लोग बात करने वाले हैं कि M1 अपना हम लोग को कब तक रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का कल जो वीजा पास देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में। तो गाइस यार सबसे पहले मैं तो यहाँ पर आप लोग वीजा पास की सब कुछ देख ही सकते हो। आप लोग को एक लेवल पर कॉइन देखने के लिए मिलता है और 3 लेवल पर यहाँ पर स्कैनर है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी कैरेक्टर भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है एंड इसके साथ आप लोग को और एक ऑक का स्किन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ऑक की स्किन तो यार लास्ट में जगह परमानेंट भी आप लोग का हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे इसके साथ छोटा मोटा आइटम भी दे दिया हुआ है जैसे कि आप लोग का कॉइन और भाउचर वगैरह पे सब कुछ है। इसके बाद में यहाँ पे लूट बॉक्स भी देख सकते हो काफी बढ़िया टाइप का जेली टाइप का लूट बॉक्स आप लोग को देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद में यहाँ पे अगर लोग बंडल देखोगे तो यार पूरे नुबड़े जैसा बंडल है। मुझे तो यार थोड़ा सा भी पसंद नहीं है बंडल। तो आप लोग को पसंद आता है तभी जाकर आप लोग वीजा पास को परचेस करना। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग को एक बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाता है, क्रिएट बोलते हो आप लोग इसको, तो ये तो गन की क्रिएट है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा रिवॉर्ड है जैसे कि आप लोगों का कॉइन पकड़ा है वो सब तो यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाएगा। एंड यहाँ पे बंडल में देख सकते हैं यार इतना तो कुछ भी खास एनिमेशन तो है नहीं। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो ही लेना। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही छोटा मोटा रिवॉर्ड यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग बैनर भी देख सकते हो काफी बढ़िया से जेली टाइप के आप लोग को एक बैनर भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोटा मोटा आइटम जो होता है वो सब भी यहाँ पे है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो एक ओपी टाइप का लूट बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आप लोग को आगे जैसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो यार फायर कर रहा है क्या मुझे पता तो नहीं है। इसके अंदर क्या बम लगाने से यार बंदा तो पूरा मर जाएगा मुझे यही लगता है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं काड़ी की ओपी टाइप का मॉन्स्टर टक के स्किन भी देखने के लिए मिल जाता है जो यार कुछ आप लोग को जेली जेली टाइप का ही देखने के लिए मिलेगा। जेली का यहाँ पे देखने के लिए सब कुछ आइटम मिलेगा आप लोग को क्योंकि गाइस भुया पास ही जेली का है इसके लिए। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग बंडल देख सकते हो जो मेल वाला है। उसके पहले में यहाँ पे आप लोग एक टॉप भी देख लो, ये टॉप भी आप लोग को तो यार प्रीमी क्लेम करने के लिए मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को जो यार मेल वाला बंडल देखने के लिए मिलेगा ना बंडल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बेसिकली कस्टमाइज लुक सब कुछ अच्छे से दिखा दूंगा एंड इसका जो नॉर्मल वाला भी होता है वो भी दिखा दूंगा जो बेसिक और कस्टमाइज के बीच में रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सबसे बेसिक लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस काफी बढ़िया सा बेसिक लुक लगा है मुझे लेकिन यार कस्टमाइज लुक तो एकदम बेकार सी मुझे लग रहा है। तो आप लोग को कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, बेसिक वाला या फिर कस्टमाइज वाला। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत कुछ आइटम है जैसे कि यहाँ पे और एक अवतार देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे एक गेनेट की स्किन भी ओपी टाइप का देखने के लिए मिल जाता है। तो काफी बढ़िया सा है, गेनेट की स्किन तो थोड़ा बहुत अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। आप लोग अगर निकलना चाहते हो तो यार निकल भी सकते हो, यहाँ पे आप लोग को 500 तक डायमंड जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो स्काई बर्ड की यहाँ पे स्किन है एंड कि स्काई बर्ड की स्किन के साथ नीचे आप लोग को ऑग का स्किन 30 दिन के लिए दिया जाएगा और यार टोकन वगैरह तो है ही, यहाँ पे आप लोग वाउचर वगैरह तो सब कुछ देख ही सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारा वाउचर के बाद यहाँ पे आप लोग का जो ऑग की स्किन है वो यहाँ पे परमानेंट होकर निकल जाता है। तो गाइस काफी बढ़िया सा है कि आप लोग अगर ऑग की स्किन परमानेंट हो जाते तो बहुत बढ़िया ही है ना। तो गाइस यहाँ से आप लोग आसानी से इसको परमानेंट निकल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि आप लोग का ऑग की स्किन परमानेंट निकल जाएगा अगर आपके पास कोई भी ऑग की स्किन नहीं है तो इसमें डबल डेकोडेंसी और सिंगल मैगजीन प्लस में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कॉपी टाइप का लेजेंडरी टाइप का कुछ पैन की स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो मुझे तो यार पैन की स्किन इतना भी बुरा नहीं लगा, बस टिक टक सही है इतना ही बोलूंगा क्योंकि ये लेजेंडरी टाइप का है इसके लिए बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे तो पैन की स्किन आप लोग देख ही लिया काफी नुपरी जैसा, ये इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे बैक पैक भी देख सकते हो, ये बैक पैक तो यार इतना भी बुरा नहीं है, इसको तो बोलूंगा कोई ठीक ठाक सही है। तो आप लोग को यार कौन सा रिवॉर्ड सबसे अच्छा लगता है इस भुया पास से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो यार सबसे बुरा लगा है कौन सा मुझे पता है यार, आप लोग का जो फीमेल की बंडल है ना वही सबसे बेकार से मुझे लगा है और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ आप लोग को एक पेट की स्किन भी देखने के लिए मिलेगा। अभी ये वाला पेट की स्किन देखने के लिए मिलेगा क्या, दूसरा भी पेट की स्किन देखने के लिए शायद मिल सकता है लेकिन ये वाला जेली टाइप का है तो शायद आप लोग को यही बार पेट की स्किन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग कस्टमाइज वाला भी और एक बंडल देख सकते हो जो आप लोग को मैं बोला कि दोनों में बीच के होगा, जैसे बेसिक और कस्टमाइज के बीच के जो बंडल है वही बंडल में आप लोग को अभी दिखा रहा था। इसके बाद में यहाँ पे तो आप लोग बेसिक वाला भी देख सकते हो काफी बढ़िया सा है, इतना भी बुरा नहीं है। और ये वाला तो आप लोग को पता ही है यार, आप लोग को जो इमोट वगैरह थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है वो सभी यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है, क्रिएट के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे तो देख ही सकते हो काफी बढ़िया बढ़िया से यहाँ पे बाहर की सफर तो चल रहा है लेकिन यार नजर पर क्या होगा इसके अंदर के क्रिएट के अंदर से आप लोग को ये सब देखने के लिए मिलेगा क्या, ये तो फिलहाल मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। लेकिन यार इसका और एक इवेंट निकल के आया है जो आप लोग को हर एक महीने में देखने के लिए मिलता है, मतलब हर एक वीजा पास का आप लोग को देखने के लिए मिलता है। आप लोग को पता ही है अगर आप लोग गेम वगैरह खेलते हो तो आप लोग को एक डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है सभी वीजा पास के अंदर। तो कैसे यार इवेंट तो आप लोग को पता ही है कौन सी देखने के लिए मिलता है, कुछ आप लोग को ये ज्यादा डायमंड खाने के लिए देता है
है, मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है। तो कोई भी बंदा तो यार यहाँ से स्पिन करके निकलता है, मुझे तो पता नहीं चलता है। तो आप लोगों में से कोई भी बंदा यहाँ से वापस निकलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो यहाँ से कभी भी निकला नहीं, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारा डायमंड लगता है। यहाँ पर देख सकते हो, दो प्रीमियम लेने के लिए आप लोग को 250 टोकन खर्च करना पड़ेगा। मतलब डायमंड कितना लगेगा ये तो आप लोग सोच ही सकते हो। अगर 250 टोकन यहाँ पर लगता है तो यार डायमंड में तो आप लोगों यार 2500 तक चले जाएगा। तो इतना सारा लगा के क्यों लूँगा यार, इससे अच्छा तो यार भैया पास ही नहीं लूँगा तो ये अच्छा है। तो कैसे आप लोग यार डायमंड वगैरह थोड़ा बहुत जमा के रखना, क्योंकि अभी बहुत सारा इवेंट आने वाला है OB42 अपडेट में। इसके बाद मैं कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग का नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भैया पास है उसको भी चलो रिव्यू करा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों में से काफ़ी सारे भाइयों की यार बाहर की 2-3 सर्वर पर आ चुका है इसके लिए देखना चाहते थे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे आप लोग एक M60 की स्किन देखने के लिए मिलेगा। तो M60 की पहले क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता, फिलहाल मैं वहाँ पे अभी खाली है। तो यहाँ पे आप लोग एक OPDF का बैकपैक भी देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया सा बैकपैक है। और गाइस ये वाला भैया पास का अगर लोगे ना तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उससे ज़्यादा यही अच्छा है। तो ये वाला भैया पास आप लोग ले लेना अगर लेना चाहते हो तो कोई अच्छा सा भैया पास। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ मच्छी टाइप का आप लोग यार बंडल वगैरह देखने के लिए मिलेगा। मुझे तो यार बंडल में जो चेन है ना गले में पहन के खड़ा है वही चेन सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि इस ब्लू ब्लू टाइप का कुछ एनिमेशन है उसके अंदर। तो आप लोग देख लेना, यहाँ पे तो सब कुछ अच्छे से दिखाई रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लूट बॉक्स भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा देखने के लिए मिल जाता है। यार क्या है कि आप लोग इसमें यार बहुत ही बढ़िया बढ़िया OP फनी फनी टाइप का कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे तो इतना भी बुरा नहीं लगा ये वाला भैया पास, आप लोग को कैसा लगता है कॉमेंट करके तो मुझे ज़रूरी बताना। इसके बाद में यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी की स्किन से लेके बहुत कुछ आइटम यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, इवेंट वगैरह आप लोग को बहुत ही अच्छा सा लगेगा। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाड़ी की स्किन वगैरह है और यहाँ पे बंडल वगैरह भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो कैसे आप लोग शायद सोचोगे कि 2-2 बंडल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ इसका एक सर दिया हो जाएगा और टोपी जैसा और इसका एक बूट भी, और इसके साथ यहाँ पे आप लोग फीमेल का बंडल भी देख सकते हो, काफ़ी यार OP टाइप का बंडल है। तो कैसे ये वाला फीमेल के बंडल मुझे तो ये थोड़ा बहुत पसंद आया है, इतना भी बुरा नहीं है। केली का बंडल के जैसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तो इतना भी बुरा नहीं है। केली का बंडल तो पहन के बहुत ही भाई ने खेलता है, तो यार वो काफ़ी अच्छा ही है, इतना भी बुरा नहीं है। आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे छोटा मोटा डियोडे अवतार वगैरह भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। टोकन वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाता है। और कैसे यहाँ पे गेनेट की स्किन भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा गेनेट की स्किन है। तो यार यहाँ पे अंडा जैसा कुछ लेके खड़ा है ऐसा लग रहा है, तो ये तो आप लोग देख ही सकते हो यार, ये तो अंडा नहीं है, ये तो आप लोग को देखने के लिए मिलता है ये गेनेट की स्किन। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्काई बोर्ड भी OP टाइप का देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है। तो यार स्काई बोर्ड भी मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा यार, कुछ यार हाथ के जैसा देखने के लिए मिलता है, यार बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो काफ़ी OP टाइप का आइटम वगैरह जो छोटा बहुत देखने के लिए मिलता है उसके सब भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो कोई ना कोई एक सेक्शन तो आप लोग को खाली देखने के लिए मिलता है, तो अभी उसके अंदर से क्या देखने के लिए मिलेगा ये तो आप लोग को मैं फिलहाल में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी तक तो बहुत दिन बाकी है वाला भैया पास आने में। तो गाइस इसके बाद में यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हो छोटा मोटा जो आइटम वगैरह आप लोग को देखने के लिए मिलता है वो सब ये। एंड इसके साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और भी यहाँ पे आप लोग को बैट की स्किन देखने के लिए मिल जाता है, OP टाइप की मच्छी टाइप का। तो यार मच्छी के जैसा ही आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, तो यार मच्छी ही बोलूँगा इसको। तो यार यहाँ पे आप लोग को एक ब्लू कलर की एक मच्छी देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो छोटा मोटा रियॉड है वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा OP टाइप का आप लोग को बैकपैक भी देखने के लिए मिलता है। तो यार काफ़ी बढ़िया से आप लोग को बैकपैक भी कैसा लगता है यार आप लोग तो देख ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा मुझे लगा है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग एक OP टाइप का गुलल देख सकते हो। यार एक गुलल मैं आप लोग को बहुत दिन पहले दिखा चुका हूँ, बहुत दिन आज से करीब यार 2-1.5 महीने पहले दिखा चुका था। तो कैसे वो वाला गुलल की स्किन आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को बोला था कि कहीं ना कहीं पर आप लोग को एक देखने के लिए मिलेगा गुलल। तो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है कि आप लोग को गुलल तो भैया पास के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग बंडल वगैरह भी देख सकते हो, OP टाइप के यहाँ पर बेसिक लुक कस्टमाइज लुक सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और यार इसके साथ जो शॉर्ट पैंट देखने के लिए मिलता है ना यही मुझे सबसे अच्छा लगा है। और यार इसका पैर भी तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है, तो यार मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा है ये वाला भैया पास का। आप लोग अगर लेना चाहते हो तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यार उससे अच्छा जेली वाला से अच्छा तो आप लोग यही लोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। अभी आपके पास अगर बहुत सारा डायमंड है तो आप लोग दोनों को ही ले लेना, अगर आपके पास इतना भी ज़्यादा डायमंड नहीं है तो आप लोग थोड़ा बहुत सोच समझ के ले लेना। इसके बाद में आप लोगों में से काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट वगैरह आते रहते हैं यार M1887 कब तक गेम पे देखने के लिए
मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ यार, आप लोगों में से काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आता है कि यार M1837 कब आएगा बता दो। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को एक ही बात बता देता हूँ, आप लोगों को मैं हर एक वीडियो पर बताता हूँ यही बात कि देखो अभी M1837 को लेकर बहुत ही ट्रेंडिंग पे पड़ा है कि बहुत ही भाई लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना रहा है और बता देता है कि ये दिन पे देखने के लिए मिलेगा, उस डेट को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस कोई भी बंदा ऐसा बोलता है ना कि इस डेट को कन्फर्म हो चुका है तो मुझे उसका वीडियो है ना लिंक कॉमेंट करके आप लोग जरूर से बता देना यार। अभी भी कोई भी बंदा बता नहीं सकता है कि कब तक M1837 आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई डाटा माइनर के भाई लोगों ने भी अभी तक कुछ भी इसके लिए रिप्लाई नहीं कर रहा है कि यार M1837 कब तक मिलेगा देखने के लिए। तो गाइस आप लोगों को मैं तो बता ही चुका हूँ कि यार आप लोग को OV42 अपडेट आने दो, OV42 अपडेट पर आप लोग को यार कुछ ना कुछ तो आइटम रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप लोग को बुआ बंडल जो है वो भी तो रिटर्न में देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस मैं आप लोग इसके बारे में बता चुका हूँ, तो यार आप लोग को M1837 जरूरी रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा आप लोग को और वेट करना पड़ेगा क्योंकि देखो कोई भी गन स्किन एक एक बार तो रिटर्न में नहीं आएगा। जैसे देखो इसी महीने को आप लोगों को एक तो गन स्किन की पूरा ईवो वर्ल्ड देखने के लिए मिल रहा था जिसके अंदर से टोटल 4 गन स्किन आप लोगों को देखने के लिए रिटर्न में मिला था। तो अभी कुछ दिन तो वेट करना ही पड़ेगा ब्रो यार, इतना तो जल्दी जल्दी आप लोग को सब कुछ ईवो का रिटर्न में देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा दूसरे किसी भाई का वीडियो देखता है और वहाँ पर अगर वो कन्फर्म करता है कि M1837 कब तक आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वो वाला लिंक भी मुझे शेयर कर देना, मैं खुद जाकर उसका चैनल को रिव्यू करके आऊँगा। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को इतना तक तो बता सकता हूँ कि अभी तक कोई भी बंदा यार कन्फर्मेशन नहीं करेगा आप लोगों को, बस इतना तक करता है कि 99%, लेकिन 100% नहीं करेगा। और जब तक 100% कन्फर्मेशन नहीं होता है तब तक मैं आप लोग को कुछ भी बताऊँगा नहीं, क्योंकि यार आप लोग अगर उस डेट को देखने के लिए नहीं मिलते तो आप लोग बोलोगे यार विक्रम भाई फेक वीडियो बनाता है, इसके लिए मैं आप लोग को इस क्रम में थोड़ा बहुत बता दिया। अभी आप लोगों का मर्जी है, आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा, लेकिन गाइस आप लोगों को जब भी लीक्स मिलेगा तब भी मैं तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और अगर पसंद आता है तो जरूर से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।